नो वन न्यू स्टोरी दैट हैड नो एंड, कोई नहीं जानता था कि किसी कहानी का अंत नहीं होता था। बिसाइड नो वन वांटेड टू फेस एन एंग्री एम्परर, इसके अलावा इस गुस्सैल राजा का कोई सामना नहीं करना चाहता था, गुस्सैल शासक का कोई सामना नहीं करना चाहता था। फाइनली बीरबल वाज आस्क्ड टू लुक इन टू द प्रॉब्लम, और अंततः बीरबल से इस कठिनाई के बारे में देखने के लिए पूछा गया। बीरबल वाज द वाइजेस्ट ऑफ अकबर्स मिनिस्टर, बीरबल अकबर के मंत्री के सबसे महान सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। दैट नाइट बीरबल वेंट टू द एम्परर्स रूम एंड स्टार्टेड टू नैरेट अ स्टोरी, और उस रात बीरबल एम्परर के रूम में गए, शासक के रूम में गए, राजा के रूम में गए और कहानी सुनाना शुरू कर दिए। बीरबल कहते हैं, बीरबल मैनी बर्ड्स लिव्ड ऑन जाइंट ट्री इन अ जंगल, बीरबल कहते हैं कि एक जंगल में बड़े से पेड़ के ऊपर कई सारी पक्षियां रहते थे। अकबर ने कहा, व्हाट हैपेंड देन, तब क्या हुआ? बीरबल ने कहा, द ट्री हैड मैनी ब्रांचेज, बर्ड्स मेड नेस्ट इन इट, पेड़ के कई सारी डालियां थी और उस पर कई सारी पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे। ट्री वॉज सो टॉल दैट बेबीज ऑफ द बर्ड्स वर सेफ इन इट, पेड़ इतने लंबे थे कि पक्षियों के बच्चे भी उस पर सुरक्षित थे। एवरी मॉर्निंग द बर्ड्स फ्लू आउट इन सर्च ऑफ फूड, और हर सुबह पक्षियां भोजन के तलाश में जाती थी। वन बर्ड फ्लू आउट, एक पक्षी उड़ी। अकबर, व्हाट नेक्स्ट, तब आगे क्या हुआ? बीरबल, नेक्स्ट सेकेंड बर्ड फ्लू आउट, बीरबल ने कहा कि दूसरी पक्षी उड़ी। अकबर ने कहा, देन, बीरबल ने कहा तीसरी पक्षी उड़ी। फिर अकबर ने फिर कहा, व्हाट नेक्स्ट, तब क्या हुआ? बीरबल ने कहा फोर्थ बर्ड फ्लू आउट, फुर से चौथी पक्षी भी उड़ी। अकबर ने कहा, देन, तब बीरबल, देन फिफ्थ बर्ड फ्लू अवे, तब पांचवी पक्षी उड़ी। अकबर, ओ बीरबल हाउ मैनी मोर ऑफ देम, ओ बीरबल और कितना है? बीरबल ने कहा, माई एम्परर देर वर 500 बर्ड्स ऑन द ट्री, मेरे राजा उस पेड़ पे 500 पक्षियां हैं, अभी तो पाँच ही उड़ी है। नाउ ओनली 495 आर लेफ्ट, और अब 495 पक्षी भी उड़ने के लिए बाकी है। सो देन द सिक्स्थ बर्ड फ्लू अवे, और छठी पक्षी अब उड़ी। अकबर ने कहा, स्टॉप टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर द ऑल फ्लू अवे, रुको और मुझे बताओ कि सब पक्षियां उड़ गई तब क्या हुआ? फिर दे नेवर सीज टू फ्लाई, वो दे नेवर सीज टू फ्लाई, वो उड़ते ही रहे। हाउ कैन आई स्टॉप नाउ, वो मैं कैसे उन्हें रोक सकता हूँ? अकबर हैड नो आंसर टू दैट, और अकबर के पास उनका जवाब नहीं था। ही रियलाइज हाउ सिली इट वॉज ऑफ हिम टू आस्क फॉर अ स्टोरी दैट डिड नॉट एंड। बीरबल ने कहा, ठीक है, अकबर के पास उनका जवाब नहीं था। उन्होंने रियलाइज किया कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि इट वॉज ऑफ हिम टू आस्क फॉर अ स्टोरी दैट डिड नॉट एंड, मैं था जो कहानी के बारे में पूछता था कि क्या किसी कहानी का अंत नहीं है। कि स्लेप पेसफुल एंड गॉड फेल्सून, और उस रात के बाद वो जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत थे, तब उस रात के बाद वो शांति से सो गए और अच्छे हो गए। थैंक्स माय डियर।